हेलो गाइस, मैं नेवी डॉक्टर दीपक कांजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो ऑल फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स जो भी अब्रॉड जा रहे हैं वापस से, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर वाले जो भी अभी फ्लाइट से लेकर सब जा रहे हैं अपने अपने कंट्री में जहाँ भी वो लोग पढ़ रहे हैं। भाई आप लोग जो है जाके अब अपनी सीरियसनेस को मत खोना, मतलब आप वो वहाँ के माहौल में मत ढल जाओ वापस से, साथ में पढ़ना चालू करो, क्योंकि कब साल निकल जाता है ना पता नहीं चलता है। जो भी अब फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में है स्पेशली, जिनको अब अगले साल FMG देना है या फिर उनको नेक्स्ट देना है स्टार्टिंग वाला, भाई आप लोग ना स्किप मत करो चीज़ें। अब आप अपने अपनी कंट्री में चले गए हो पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में, अब आप वहाँ पे फ्लैट में रह रहे हो, मस्त दोस्तों के साथ मस्त इन्जॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, सब कुछ करो, पर साथ में जो पढ़ाई है ना उसको बंद मत करो। क्योंकि कब आपके एक महीना निकलेगा, कब 2 महीना निकलेगा, कब 3 महीने, कब साल, कब 2 साल, ना एग्ज़ाम आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा कब आप ग्रेजुएट हो जाओगे। हम जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में थे हमको पता ही नहीं चला कब थर्ड ईयर निकल गया, कब फोर्थ ईयर निकल गया, कब फिफ्थ ईयर निकल गया। अब आप लोग के पास मैं भी आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ ये चीज़ कि अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में हो तो भैया टाइम मत वेस्ट करो, आप साथ साथ इन्जॉय करो, बट एटलीस्ट साथ साथ आपके जो टारगेट है वो पूरे होने चाहिए। कब सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। अब भी आप सोच रहे हो कि मंडे से करूँगा, मंडे से करूँगा, कल से करूँगा, तो भैया ना मंडे कभी आने वाला है और ना कल कभी आने वाला है, आपकी ग्रेजुएशन आ जाएगी, आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी, तो इसलिए भैया स्किप मत करो चीज़ों को। क्योंकि हम फिर दोस्तों के साथ भी हो जाता है, जब हम दोस्त अभी तो इंडिया में थे तब तक सीरियस थे घर पे या सोचते कि चलो कॉलेज जाएंगे फिर पढ़ेंगे, अब कॉलेज चले गए फिर सोचो कि अरे यार अगले महीने से पढ़ेंगे, अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट से नहीं हो रहा, ये करेंगे वो करेंगे, पर अब ये चीज़ें करने का अब टाइम नहीं रहा हमारे पास। जो खासकर जो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में आपके पास तो बिल्कुल बहुत कम टाइम है, क्योंकि फिफ्थ ईयर वालों के पास तो एग्ज़ाम आ ही गई है FMG, और फोर्थ ईयर वालों के लिए तो नेक्स्ट बिल्कुल सर पे खड़ा है। नेक्स्ट किसी बातें मत करो यार कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, फलाना क्या होगा, क्या कितनी एग्ज़ाम होगी, कौन सा पेपर होगा, पढ़ो, 19 सब्जेक्ट हैं आपके पास पढ़ने के लिए, बाद में आके ना पछताना पड़े फिर यहाँ आने के बाद, फिर आप यहाँ आने के बाद इंडिया के पछताओ कि यार मैंने उस समय कर लिया होता तो अच्छा होता, वहाँ कर लेता तो अच्छा होता। जब मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि कब दिन निकलते हैं ना पता नहीं चलता है, ऐसे ऐसे दिन निकलेंगे ना कि आप पता ही नहीं चलेगा आपको कब आपका साल निकल गया और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। जो पढ़ रहा है उसके मत मजाक बनाओ कि पढ़ रहा है तो पढ़ाकू है, ये है वो है, भाई जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, एटलीस्ट उससे कुछ मोटिवेशन लेके खुद भी पढ़ना चालू करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट आप 6-7-8 घंटे की तो कंटिन्यू बनाओ आप कंटिन्यूटी, उतना तो एटलीस्ट पढ़ो ताकि इंडिया में आके भी पछताना ना पड़े। गौतम नगर के हाल आपने देखे हैं, हमारा पासिंग परसेंट FMG का 20-25% ही है। आप खुद सोचो आप में से कितने लोग फेल हो जाओगे अगर आप अब भी नहीं पढ़ोगे तो, मतलब इस अगर वीडियो को देख रहे हैं 10,000 लोग तो भाई 10,000 में से 2,000 ही पास होने वाले हैं या 1,000 ही पास होने वाले हैं। तो चाहता हूँ मैं कि आप भी उनमें से ज़्यादा लोग पास हो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ आने के बाद फिर आप भी गौतम नगर के धक्के खाओ जैसा बहुत लोग खा रहे हैं। मैं ये नहीं कब बोल रहा हूँ कि उनकी भी गलती थी या इसलिए वो धक्के खा रहे हैं, क्योंकि उनको टाइम पे किसी ने जगाया नहीं, पर मैं आपको टाइम पे जगा रहा हूँ, तो एटलीस्ट उनको नहीं मिला या हमको भी किसी ने इतने टाइम पे थर्ड ईयर होते, मैं ऐसे इतना सीरियसली नहीं बोला था चीज़ों को, पर मैं बोल रहा हूँ आज आपको ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि अब भी अगर आप लोग नहीं स्टार्ट करोगे चीज़ों को तो फिर ना नेक्स्ट में आपको कोई बचाएगा, फिर आप भले किसी को भी ब्लेम करोगे यार, अगर फेल होने के बाद आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर लो, NBU को ब्लेम कर लो, NMC को ब्लेम कर लो, उन्होंने पेपर टफ बनाया था वो किया था, ब्लेम करने से क्या होगा, उनका कुछ होगा नहीं, आपका ही वेस्ट होगा ना, टाइम तो आपका ही वेस्ट होगा, आपकी साल वेस्ट होगा, फिर आपको 1 साल पढ़ोगे, फिर 1 साल बाद एग्ज़ाम दोगे, कब तक ये चीज़ चलती रहेगी। लाइफ को थोड़ा सा आप सीरियस में लाओ, पढ़ना थोड़ा 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 करके पढ़ना चालू करो, ऐसा कोई भी दिन मत जाना जिस दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, भले 1 घंटा पढ़ो पर पढ़ो, उससे क्या थोड़ी कंटिन्यूटी आएगी। क्योंकि यही मेडिकल कॉलेज में जब रशिया, किर्गिस्तान, जहाँ भी अपन लोग पढ़ रहे हैं, यूक्रेन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, चाइना, जब हम वहाँ चले जाते हैं तो फिर हम वहीं के मूड में चले जाते हैं। अब उसको थोड़ा सा चेंज करो, सबके पास आपके पास प्रेपर मेरो हर चीज़ सब्सक्रिप्शन है आपके पास से जो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में, तो अब तो उन चीज़ों को यूज़ करो अच्छे से, कब तक आप स्किप करते रहोगे, बहाने बनाना बंद कर दो लाइफ से, क्योंकि आप फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तक बहाने बना लोगे, ग्रेजुएशन तक बहाने बना लोगे ना पढ़ने के, पर एक दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो चीज़ पढ़ने में आपको अभी 2 साल पढ़ने को मिल रहा है या 1 साल पढ़ने को मिल रहा है, उसके बाद तो आपको वो 6 महीने में करनी पड़ेगी, 4 महीने में करनी पड़ेगी, कैसे करोगे फिर यहाँ आने के बाद, इतना टफ हो जाएगी ना ज़िंदगी। मतलब जो आप जिन दोस्तों के साथ अभी घूम रहे हो, मज़े ले रहे हो ना, उनमें से भी आधे आधे ज़्यादा पास हो जाएंगे, आप रह जाओगे,
आपको फोन भी नहीं करेंगे, याद रखना इस बात का। तो ये जो दोस्ती यारी जो भी चल रही है ना, याद रखना कि उसमें से 70-80% दोस्त आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे कॉलेज खत्म होने के बाद। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस चक्कर में दोस्त मत बनाओ यार, सब कुछ करो, बट जो मेन प्रायोरिटी है वो है पढ़ाई। क्योंकि यहाँ आने के बाद जो ज़िंदगी ख़राब होती है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। क्योंकि दूसरी किसी एग्ज़ाम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, भाई यार नहीं होगा ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, वो नहीं होगा तो वो कर लेंगे, पर अगर FMG आपकी नेक्स्ट क्लियर नहीं होगी तो आप क्या करोगे उस डिग्री का? वो डिग्री आपकी इंडिया में कोई फार्मासिस्ट है उससे भी नीचे की डिग्री है, वो भी उसकी भी एटलीस्ट कुछ वैल्यू है, आपकी तो उससे भी कोई वैल्यू नहीं है। नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू आपसे ज़्यादा रहेगी अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करोगे तो। पर एटलीस्ट अब आपके पास टाइम है, अब भी आप लोग अगर स्टार्ट करो, जो आप 4th या 5th ईयर में हो, अब जितना टाइम है उसको अच्छे से यूज़ करो, चीज़ों को करो यूटिलाइज। जो खासकर जो कमज़ोर लोग हैं, जो अपने आप को मानते हैं, जैसे मैं भी था, जो अपने आप को मानते हैं कि यार हमने तो कुछ नहीं पढ़ाया 3 सालों में, तो कुछ भी नहीं आता है, भाई आप लोग को हाँ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो एटलीस्ट आप तो जल्दी से स्टार्ट करो, क्योंकि जो ज़्यादा जिनको पहले से चीज़ें पता है, जिन्होंने पहले से थोड़ा पढ़ा है, वो तो फिर भी कवर अप कर लेंगे। हम तो कमज़ोर है तो हम कैसे कवर अप कर पाएंगे? इसलिए इन चीज़ों को आप छोड़ दो, सारा जो भी है दोस्ती यारी जो भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ करो, बस साइड बाई साइड। पर जो पढ़ाई है वो, क्योंकि तो याद रखो घर वाले ने बहुत मेहनत से पैसे कमा के हमको भेजा है बाहर, अगर हम आके फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट पास नहीं हुए तो बहुत दिक्कत होने वाली है उनको भी और हमको भी। उन्होंने भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है, आपको ये चीज़ें अभी नहीं पता चलेगी कि जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, जब आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे, तब आपको वो चीज़ पता चलेगी, यार काश मैं उस समय पढ़ लेता। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस काश को रिपीट करें उस टाइम पे, क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको। तो अच्छे से आप पढ़ाई स्टार्ट करो। अब भी आपको लोगों को लग रहा है कि हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ, हम मिलके एक प्लान बनाएंगे। ऑलरेडी मैं पिछले 1 मंथ में लगभग 30-40 लोगों के पास ऐसे थे जो अभी 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में थे उनके कॉलेज में, उनके भी मैंने प्लान बनाए हैं वहाँ पे आराम से बैठ के साथ में। तो आप 1-to-1 सेशन मेरे साथ बुक करो आराम से, तो ताकि हम अच्छे से प्लान बनाए आपके लिए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ आपको MCQs मिल जाएंगे, कुछ भी डाउट होता है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ पे डेली में मोटिवेशन के लिए भी कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ आराम से, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू में चलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो। बाकी सेशन तो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि 1-to-1 सेशन वाला आइडिया जो है बहुत यूनिक है, अभी तक किसी ने नहीं किया है चीज़। कोई किसी भी सीनियर के पास आपके लिए 40-45 मिनट नहीं है देने के लिए आपको, जो मैं देने वाला हूँ आपको, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चले, आपकी रिदम अच्छे से हो, आप आते ही यहाँ पे एग्ज़ाम पास करें, ताकि आप भी प्राउड फील कर सकें, आपके घर वाले भी आप पे प्राउड फील कर सकें। तो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट।